के कोल्हापुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पुलिस अब इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। देखिए हालात वहां पर बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर जुट गए हैं और देखिए कुछ प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया जा रहा है। वहां तोड़फोड़ की गई है। तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं किस तरीके से वहां पर उत्पात मचाने की कोशिश हुई है, जिसके बाद पुलिस को मौके पर आना पड़ा है और इन लोगों को अब वहां पर संभालने की कोशिश हो रही है, क्योंकि वहां जोरदार हंगामा चल रहा है। प्रदर्शनकारी सड़कों पर बड़ी तादाद में जुटे हुए हैं। न्यूज 18 इंडिया एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है, जहां पर इस वक्त हंगामा चल रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जिसमें हो हंगामा, हो हंगामे को कंट्रोल करना पुलिस के लिए चुनौती भरा है, क्योंकि कई जगहों पे आप देखिए लाठीचार्ज करने की नौबत आ रही है, क्योंकि पुलिस के समझाने बुझाने के बावजूद भी ये लोग वहां से नहीं हट रहे। हालांकि इस शख्स को चोट लग गई है तो पुलिस मदद भी कर रही है, यानी पुलिस की पूरी कोशिश ये है कि लोगों को कंट्रोल करे, लोगों को यहां से हटाए, भीड़ को तितर बितर करे। देखिए विवादास्पद पोस्ट के बाद ये हंगामा शुरू हुआ था, लेकिन ये पहली तस्वीर देखिए, अब से कुछ देर पहले ये तस्वीर सामने आई थी, जहां पर प्रदर्शनकारियों की तरफ से गाड़ी को पलट दिया गया था। सड़क किनारे जो गाड़ी लगी थी उसे पलट दिया गया। और ये दूसरी तस्वीर सामने आई जिसमें पुलिस इन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ती हुई नजर आ रही है, उन पर डंडे बरसाए जा रहे हैं, लाठीचार्ज यहाँ किया जा रहा है माहौल को शांत करने के लिए, क्योंकि बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी सड़कों पर जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि हिंदू संगठनों ने कोल्हापुर बंद का ऐलान किया था और उसके बाद ये सभी प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे थे, बड़ी संख्या में पहुंचे और ऐसे में वहां पर माहौल खराब होता देख पुलिस को मोर्चे पर उतरना पड़ा और उसके बाद हालात को कंट्रोल करने की, काबू करने की वहां फिलहाल कोशिश चल रही है, जिसके लिए देखिए लाठियां भी बरसाई जा रही हैं। कोल्हापुर से इस वक्त ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती कि ये भीड़ कैसे भी कंट्रोल हो जाए। अब इसके लिए चाहे लाठी बरसाना पड़े, डंडे बरसाना पड़े, वो कदम कानूनन अधिकार भी है पुलिस को, क्योंकि इन सभी लोगों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये कानून को हाथ में लेने की कोशिश कर रहे थे। जो तस्वीरें बयां कर रही है उसके मुताबिक ये कि इन्होंने सबसे पहले गाड़ियां पलटी और जगह जगह आप नोटिस करेंगे तो आपको पत्थर के कुछ टुकड़े भी दिख रहे हैं। अब ये किसने किस पे फेंके हैं ये भी पता करना भी मुश्किल हो रहा है। अभी हम इस पे कुछ भी कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन जो तस्वीरें बता रही हैं उसके मुताबिक हालात तनावपूर्ण हैं और पुलिस के सामने चुनौती ये है कि इन्हें फिलहाल कंट्रोल किया जाए। ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी ज्ञानेश्वर का। ज्ञानेश्वर, फिलहाल वहां से ताजा तस्वीरें क्या सामने आ रही है, क्या हालात को काबू कर लिया गया है या अभी भी वहां लाठीचार्ज जारी है? कोल्हापुर के हालात अभी भी गंभीर है, देखे जा रहे हैं तो भीड़ है तो बहुत सारे मुस्लिम होल एरिया में जा चुके हैं और वहाँ पे वो पत्थरबाजी कर रहे हैं, मुस्लिम एरिया को टारगेट कर रहे हैं, उनको शॉप है उनकी तोड़फोड़ अभी चल रही है। कई जो वाहन है उनका वाहनों का भी नुकसान हिंदू जो संगठन है उनके कार्यकर्ता ने किया है। आपको बताया जा रहा है कि कल सूर्याभिषेक दिन था, उस समय औरंगजेब और टीपू सुल्तान उनका उदासीकरण करने हेतु तो मुस्लिम युवकों ने स्टेटस रखा था, उसकी वजह से कल बहुत सारे हिंदुत्व की संगठन ने उनके ऊपर कार्रवाई की मांग की थी और उस वजह से कोल्हापुर बंद का ऐलान भी किया था। आज कोल्हापुर बंद करने के लिए हिंदुत्ववादी संगठन के कार्यकर्ते इकट्ठा हुए थे छत्रपति शिवाजी चौक में, वहाँ पुलिसों से उनसे बातचीत हुई, लेकिन पुलिस ने जो उनको बताया। ज्ञानेश्वर, ये कोल्हापुर का कौन सा इलाका है, ये क्या मार्केट एरिया है, रिहायशी इलाका है, लोगों का घर है सिर्फ यहाँ पे, क्या है, ये कौन सा एरिया है? हाँ, जो लोगों का घर का जो एरिया है उनको टारगेट अभी कर रहे हैं, मार्केट और घर एरिया वो दोनों भी एक ही जगह पे है और बहुत सारी मुस्लिम बस्तियां भी जहाँ पे हिंदू संगठन अभी पत्थरबाजी कर रहे हैं उस साइड पे है और उस साइड बहुत सारी पत्थरबाजी हो रही है, बहुत सारे शॉप का और वाहनों का तोड़फोड़ भी वहाँ पे चल रहा है। पुलिस की स्थिति नियंत्रण के बाहर अभी भी है और गृह मंत्रालय ने भी उनकी सारी जानकारी लेके अभी स्थिति जो है नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस को कहा है, तो पुलिस भी अभी ये दंगल जो है नियंत्रण में लाने में जुटी है, लेकिन अभी भी बहुत सारे जो हिंदू संगठन के कार्यकर्ता है रास्ते पे घूम रहे हैं और पत्थरबाजी अभी भी कोल्हापुर में शुरू है, उससे चलते कोल्हापुर में काफी तनावजनक स्थिति और चिंताजनक स्थिति अभी भी है।